हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 27 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है इस वर्कशीट की बच्चों 22 जनवरी 2021। बच्चों तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषिया को मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बच्चों तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। तो इसमें हमारा टॉपिक है जीवों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती है जीवों की। क्या हमें सभी सजीवों में हमेशा निश्चित रूप से सजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं? तो इससे पूछा क्या गया, जो सभी सजीव होते हैं क्या उन सभी सजीवों में सारे सजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं आपको? तो देखते हैं इसमें, हम सभी जानते हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों में क्या क्या चीज़ होती है? सजीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उनमें श्वसन होता है, वो सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, मतलब कोई चेंज होता है तो उसके प्रति वो क्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं मतलब अपने जैसे पैदा करते हैं, गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वृद्धि करते हैं और उनकी मृत्यु भी होती है। तो ये सभी क्या विशेषताएँ? सजीवों की विशेषताएँ हैं। आइए करके देखते हैं कि उपरोक्त अंकित सजीवों की विशेषता क्या हमें हमेशा दिखाई देती है। तो हम एक एक्टिविटी करके देखें क्या ये जो हमने सारी विशेषताएं बताई सजीवों की, क्या ये सभी सजीवों में दिखाई देती है हमें? इस पर समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां हम करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ गतिविधि करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट गतिविधि है ये और सेकंड गतिविधि ये। तो देखते हैं, पहली फर्स्ट गतिविधि आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए उसके लिए। आपको बीज चाहिए, बीज कोई भी हो सकता है, राजमा का बीज हो जाएगा, चना, मूंग, गेहूँ, कोई भी आपको एक बीज आपको लेना अपने घर से। चरण क्या, उसके उपरोक्त दिए गए बीजों के नए होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में है उन्हें ले लीजिए। अगर आपके पास इनमें से कोई बीज नहीं है तो बाकी इसके अलावा कोई भी बीज हो तो आप वो भी ले सकते हैं। सजीवों की विशेषता को ध्यान में रखते हुए इन बीजों का अवलोकन करिए। और जो जो विशेषताएं भी आपने ऊपर पढ़ी हैं कि वो गति करते हैं, जन्म देते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो सभी इन सभी क्वालिटी का ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि जो बीज हैं जो आपने रसोई घर से लिया है, क्या वो सजीव में आते हैं या निर्जीव में आते हैं। आपने देखा हो तो देखते हैं, इस क्वेश्चन पूछा गया इसके अकॉर्डिंग ही अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव और क्यों। तो अगर आपने बीज को देखा तो आप इसको किस में रखेंगे, हम इसको निर्जीव में रखेंगे, हम उन्हें निर्जीव चीजों में डालते हैं क्योंकि वे स्वयं विकास नहीं दिखाते हैं। अब आपके रसोई में अगर कोई बीज है, क्या वो खुद ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं होता ना, तो ये क्या होते हैं? निर्जीव। तो इसको हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो विकास नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसके लिए भी आपको आवश्यक सामग्री सेम है, बीज, राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि। गतिविधि के चरण फर्स्ट है, उपरोक्त दिए गए बीजों के न होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में है उन्हें ले लीजिए और एक रात के लिए पानी में भिगो कर रखिए। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी अगर आपके पास घर में बीज है उसको लेना और उसे एक रात पानी में भिगो कर रख देना। और नेक्स्ट डे सेकेंड पॉइंट क्या है, बीजों में से पानी को निकालने के बाद उसे सूती कपड़े में लपेट कर 2 दिन के लिए रख दीजिए। और नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, बीज में से पानी निकाल के उसे एक सूती कपड़ा लेंगे और सूती कपड़े में उसे अच्छे से लपेट कर 2 दिन के लिए रख देंगे। बच्चों ठीक है, करके देखना आप सबको, ये सबको अगर आप ये करके देखोगे तो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे ये जो बीज होगा इसमें से कुछ ऐसे निकलना स्टार्ट हो, मतलब एक छोटा सा पौधा सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रश्न इसमें, प्रश्न बीजों पर से सूती कपड़े को हटाने के बाद आपने क्या अवलोकन किया? अगर आप कपड़ा हटाएंगे तो आप क्या देखेंगे, बीज अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, अंकुरित हो जाते हैं तो उसमें से कुछ पौधे से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव और क्यों। अब हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम सजीव में रखेंगे। अब हमने उन्हें सजीव चीजों में डाल दिया क्योंकि वे अपनी वृद्धि दिखा रहे। अब क्या वो वृद्धि दिखा रहे, क्योंकि उसको हमने पानी में डाला, पानी में डालने से उसकी ग्रो हो गई, तो उसको हम अब सजीव में रखेंगे। पहले हमने उसको निर्जीव में रखा, अब उसको हम सजीव में रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। रिक्तस्थान भरने जमीन पर उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, स्थलीय पौधे। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, स्थलीय पौधे। नेक्स्ट, पानी में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, जलीय पौधे। जलीय, तो इसको आप लिखेंगे जलीय। चलिए पौधे। नेक्स्ट है, भिन्न परिवेश में रहने वाले योग्य बनना दैश कहलाता है, इसको हम कहते हैं अनुकूलन। कि आपको अलग अलग रहने का स्थान मिल रहा है, आप उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं अनुकूलन।
कहते हैं। नेक्स्ट, सभी सजीव डैश करते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं और कुछ बीज उत्पन्न करते हैं। तो सभी सजीव क्या करते हैं हमारे यहाँ पे, प्रजनन करते हैं, अपने जैसे वो जन्म देते हैं उसको बोलते हैं प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में से विषम को अलग करें और उनके अपने उत्तर का कारण भी बताएं। तो आपको इसमें से अलग बताएं, जैसे मेज, बिल्ली, कुर्सी, पेन, तो इसमें से अलग कौन सा है बच्चों, बिल्ली है क्योंकि ये सजीव है। तो आप लिखें क्योंकि बिल्ली सजीव है, बाकी तो क्या निर्जीव है क्योंकि ये बिल्ली तो सजीव में आती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊंट, शेर, बाघ, सियार, तो इसको हम ऊंट को लिखेंगे, इसका लिखेंगे ऊंट शाकाहारी, बाकी सारे क्या मांसाहारी है, ऊंट शाकाहारी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आम, सेब, अंगूर, कैक्टस, तो इसमें क्या हो गया हमारा, कैक्टस लो भैया, क्योंकि कैक्टस क्या है, ये हमारा क्या फल नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैक्टस फल नहीं है, कैक्टस भी लिखना आपको आगे, कैक्टस फल नहीं है। नेक्स्ट है मछली, मुर्गी, कुत्ता, सुअर, तो मछली लोगे क्योंकि मछली क्या है, जलीय जीव है, लिखेंगे आप क्या मछली, बाकी तो सारे क्या है स्थलीय है और ये क्या हमारा जलीय, मछली जलीय जीव है। नेक्स्ट है कमल, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, तो कमल है क्योंकि कमल क्या है जलीय पौधा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कमल जलीय पौधा है, इसलिए वो अलग हो गया, बाकी तो सारे क्या है हमारे स्थलीय पौधे हैं, वो पानी में नहीं उगते लेकिन कमल क्या पानी में उगता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन में आपके साथ कंप्लीट कर लिया बच्चों, पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब प्लस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।